दोस्तों यहाँ भी हाल ही में सनी देओल की गदर टू रिलीज हुई तो वहाँ दूसरी ओर सनी देओल की एक और फिल्म बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। और आपको बता दें कि फिल्म गदर से भी बड़ी होने वाली है और इसका टाइटल है लाहौर 1947 और इस बात की अनाउंसमेंट की है राजकुमार संतोषी ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो 26 सालों के बाद सनी देओल के साथ काम करने वाले हैं। और राजकुमार संतोषी ने एक इंटरव्यू में बताया कि बहुत जल्द लाहौर 1947 की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी। और उन्होंने फिल्म की स्टोरी को लेकर कहा कि ये फिल्म पार्टीशन पर बेस्ड होने वाली है और 1947 की स्टोरी पर रोशनी डाली जाएगी और इस फिल्म में 70 से 80 साल पुराना ज़माना दिखाया जाएगा। और आपको बता दें कि राजकुमार संतोषी ने सनी देओल के साथ एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं जिनमें घातक, घायल और दामनी शामिल हैं। और अब लाहौर 1947 फिल्म के साथ तहलका मचाने के लिए एक बार फिर से दोनों एक साथ काम करने वाले हैं। और फैंस भी इस खबर से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और ये फिल्म काफ़ी बड़े बजट के साथ बनाई जाएगी और इस फिल्म की स्टोरी पर काम स्टार्ट कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग 2024 में स्टार्ट कर दी जाएगी और फिर ये फिल्म हमें 2025 के आखिर में देखने को मिल सकती है। इस फिल्म में लीड रोल में तो सनी देओल ही नजर आएंगे, लेकिन बाकी कास्ट को लेकर अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन फिल्म में बॉलीवुड के और भी काफ़ी बड़े सुपरस्टार्स देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपके कहते हैं इस फिल्म को लेकर हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।